तो आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश। मैं आपको बता दूं, आप हमारी यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास चल रही है, हमारे स्टूडेंट ये बैठे हुए हैं, सारा प्रैक्टिकल कर रहे हैं। शाम की क्लास चल रही है यहाँ पे, जो कि आज नेटवर्क सेक्शन था, सभी लोग ने नेटवर्क सेक्शन को किया हुआ है। तो आज एक प्रैक्टिकल क्लास करते हैं इनके सामने, प्रैक्टिकल लाइव, हम लाइव दिखाएंगे कि आईसी को कैसे निकालना है और कैसे लगाना है टाइमिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम दिखाएंगे, तो हम आपको दिखाएंगे कि एक आईसी को कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं, वो भी लाइव। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम पिंकेश है। पिंकेश, पहले तो आप फोन चालू करके दिखा दो एक बार कि फोन आपका ऑन है कि नहीं है। तो उसका आप सीपीयू निकालेंगे, क्या निकालेंगे? सीपीयू, ठीक है। फोन आप पहले आप दिखा दो कि फोन हमारा ऑन है कि नहीं है। ये देखिए, ये फोन हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन है। अब इससे इसकी सीपीयू निकाल करके आप रिवॉल्व करके आप लगाएंगे, ठीक है। चलो निकालिए। और नीचे करो फ्लो, एयर फ्लो और नीचे करो, खींचना नहीं, आराम से निकाल दो। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे स्टूडेंट ने एकदम प्रॉपरली उसको अच्छी तरीके से निकाल दिया है, ठीक है। सीपीयू को उन्होंने निकाल दिया। आप सीपीयू को आप रिवॉल्व करेंगे, फिर पीसीबी को भी क्लीन करेंगे, सारा स्टेप बाय स्टेप ये लाइव आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि फोन हमारा ऑन होता है कि नहीं, जो कि कहीं भी लाइव दिखाते हैं क्या? हम यहाँ पे लाइव दिखा रहे हैं वीडियो। चलो आप पीसीबी को क्लीन करो सबसे पहले। तो पीसीबी क्लीन करने के लिए क्या यूज करेंगे, क्या क्या टूल आप यूज करेंगे? मैं थिनर यूज करूंगा और कॉटन की यूज करूंगा क्लीन करने के लिए, और उसके डिसोल्डर वायर, डिसोल्डर वायर, ठीक है। पैसे मैं क्लीन करूंगा सर पीसीबी को। आप पीसीबी वहां पे क्लीन करिए, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ सारी चीजें। आप स्क्रीन पे करो, सेट कर लो, ठीक है। चलिए, क्योंकि जब आप डिसोल्डर वायर का यूज करते हैं तो आसपास के कंपोनेंट्स क्या नहीं होने चाहिए, निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि सीपीयू के पास के कंपोनेंट कुछ भी नहीं निकलने चाहिए, चाहे वो एक रजिस्टर हो, चाहे वो कैपेसिटर, चाहे वो डायोड, मतलब कोई भी कंपोनेंट्स क्या नहीं होने चाहिए, निकलने नहीं चाहिए, निकलने नहीं चाहिए। पेस्ट लगा लो। काट देंगे तो कट जाएगा, ठीक है। ये हमारी पीसीबी क्लीनिंग हो रही है, क्या हो रही है? पीसीबी क्लीनिंग। अब सेम हम उसमें भी क्लीन करेंगे, आईसी को भी क्लीन करेंगे। कॉर्नर पे है प्रॉपर लेके, और कॉर्नर पे थोड़ा सा उसको सेंटर में रखो, आईसी को सेंटर में रखो, बस ठीक है। और थोड़ा सेंटर करो, अब कॉर्नर कॉर्नर की सफाई करो, ठीक है, ठीक है। देखिए, अभी आपकी आईसी क्लीन हो गई ना। अब आपको लगता है कि हमारी आईसी क्या होती है, कभी कभी स्टेंसल में नहीं फिट होती है, क्या नहीं होती है? स्टेंसल में। अब उसमें थोड़ा सा पीपीटी डालो, उस आईसी में क्या करेंगे, पूरी क्लीन हो गई है? नहीं, देखो कभी भी अगर आईसी आपकी एकदम क्लीन हो गई है, दिख तो रही है, बट ये एकदम चिकनी हो गई है, तो कभी एक्सटेंशन में फिट नहीं होती है, और एक्सटेंशन में आपका काम भी नहीं करता है। तब आपको करना क्या है, इसमें थोड़ा पीपीटी डालो, लगाओ आईसी को, देखो अभी सेंटर में रखो, उधर देखो, रोक लो, क्लीन करो उसको, रख के करो। हाँ, आयरन से बस चला देंगे, क्या कर देंगे, उसके बॉल मिल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? यस सर। ये देखो, चला दो, चला दो, ये समझ में आ रहा है? यस सर। इससे आपकी एक्सटेंशन में बहुत ही प्रॉपर तरीके से बैठेगी, नहीं तो जो चिकनी होगी ना, तो बॉल मिस होगी और आपका हिलेगा भी,
ठीक है, जो हमारी चिकनी थी आईसी, अब आपको देखो छूने से पता चलता, अब आप इसको छुएंगे ना थोड़ी आपकी खुरदरापन दिखेगी, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब आईसी हमारी क्लीन हो चुकी है। यस। अब एक्सटेंशन में एक्सटेंशन लगाओ, अभी यूनिवर्सल लेते हैं, ये होता वो होता, जब मेरे पास प्रॉपर एक्सटेंशन है, और थोड़ा सा करो एडजस्ट, बस काफी, थोड़ा सा ऊपर करो, मतलब नीचे के थोड़ी हिल रही है, हाँ ठीक है, परफेक्ट है, नहीं थोड़ा सा राइट नीचे, ऊपर वाली देखो, ऊपर क्लियर देखो, थोड़ा सा और एडजस्ट करो, हाँ बस अब परफेक्ट है, पर नीचे थोड़ा सा हो रहा है, चलो कुछ नहीं, हम हिट दे के सही कर लेंगे उसको, ठीक है, अब उसको दबा के रखना। अब देखो यहीं पर हम गलती कर देते हैं, जैसे एक्सटेंशन हम चेक करते हैं ना, सीपीटी डालते समय हम क्या कर देते हैं, हिला देते हैं, तो आपकी बॉल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, अब उसको एक्सटेंशन को हिलाना बिल्कुल भी नहीं, नहीं सर, रोक दे सर, अब पीपीटी अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि अब इसी टाइम पे आप एक्सटेंसर को उठा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पीपीटी अंदर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, बस करो क्लीन करो, फिर से एक बार भरो, एक बार फिर चला दो, फिर चला दो, ठीक है, चलो क्लीन करो, अच्छे से वॉश करो, ठीक है, अब आपको जब देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको, उसको अच्छे से बैंड ट्विजर से कलेक्ट करो, उसको कवर करो, बस ठीक है, अब हमने कवर कर लिया, अब आपको इधर दिखाना थोड़ा, ये जो है इसका फ्लो आप कहीं मत रखो, इसको आपको हीटिंग बस एक जगह ऐसा रख दो, इधर नहीं दिखाओ, ऐसा आपको एक जगह ऐसा फ्लो रख देना है, क्या रख देना है, फ्लो, देखिएगा बस, देखा आपने, सब ठीक होता है छोटा छोटा, ठीक है, अब उसमें वो डाली, थोड़ा थिनर डाली, हो गया, हटा दो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तुम नहीं हटाओ, पहले ऊपर से, बस ऊपर से करो, चलो चला दो, निकालो निकालो, बॉल एक्स्ट्रा आ गई है, नहीं प्रेस नहीं करना, अगर एक्स्ट्रा होंगे तो क्लीन कर लेना, उसमें चला लेना, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नहीं है, निकल गई, देखो माइक्रोस्कोप, रोक लो थोड़ा, रोक लो, कि अगर इसमें बॉल थोड़ी बहुत अगर कम ज्यादा होगी तो बॉल क्या हो जाएगा, अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट, ठीक है, देखो बॉल एडजस्ट हो गई, बस करो, वेट करना, समझ में आ गया, आप क्रॉस पकड़ेंगे ना तो बॉल जब उसकी उसमें जब हिट होगी तो अपने आप अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, अब क्लीन करिए, हो गई ना, अब अच्छे से बॉल दिख रही सबकी, परफेक्ट, ठीक है, क्लीन करिए, रोक लो, और अच्छे से साफ करो, उसको फूको, करो, दिख रहा है, Yes, बन गई परफेक्ट बॉल, yes, छोटी बड़ी तो नहीं है ना, yes, है ना परफेक्ट, yes, ठीक है, चलो आपको पीसीबी में क्या लगाना है, yes, पेस्ट लगाना है, इसका रीजन आपको पता है क्यों लगाना है, yes, ठीक है, पेस्ट अप्लाई करिए,
थोड़ा सा ही पेस्ट लगाइए वहाँ पे। अरे हाँ ठीक है, बस रहन दो पेस्ट को, ठीक है बस करो, हटा दो, रुको तुम। अब यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, हमने आईसी को रिवॉल्व भी कर दी और पीसीबी भी क्लीन कर दी थी, आईसी को हमने बैठा दिया है। अब हीटिंग का कवर उसमें नहीं हो पाएगा तो हम हीटिंग की प्रैक्टिकल यहाँ पे देंगे आपको आईसी लगाने की। चलिए ठीक है, इधर कर लीजिए आप, ठीक है करिए, ये लो, एक मिनट रुकना, स्टे और नीचे, ठीक है करो पेस्ट, अब हल्का हल्का हिलाना 40 के बाद, अभी नहीं, अभी स्टे ही करो, नीचे करो, हाँ ठीक है, मूव धीरे धीरे, कुछ नहीं करना है, ट्विजर नहीं लेना है, और धीरे मूव करो, उसके बाद कितना लेना था, 20 बोला था मैंने, 40 20 60 करो, परफेक्टली तरीके से बैठ चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आईसी बैठ चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा हम थिनर डालेंगे, अब क्लीन करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे स्टूडेंट ने ही सारा किया, हमने नहीं किया हुआ है। लीजिए अब इसको डीसी से लगा के चालू करिए, रोक लो पहले, नीचे से वो निकल जाए, आपने इसकी आईसी रिवॉल्विंग कर दी परफेक्ट तरीके से, निकाली लगाई, जो हमने ट्रिक बताई अच्छी लगी कि नहीं लगी आपको? जल्दी हो गया। और एक जो दो तीन टेंशन होते हैं कि कैसे हिल जाती है आईसियां लगाते समय, हिल जाती है क्या आपसे आईसी हिली? टाइम के अकॉर्डिंग तो अगर सही, और बहुत अच्छे तरीके से लगी कि नहीं लगी जो ट्रिक हमने बताई? बिल्कुल सर, मैं आपको दिखाता हूं। और वो ट्रिक अगर आपको जानना है तो क्या करना होगा बताइए? ज्वाइन करना होगा, क्या करना होगा बताओ? अगर ये ट्रिक जाननी है जो अभी आपने की है तो उसके लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आना होगा। वो सारी चीज आपको, क्या आप फ्रेशर थे, जो भी और भी फ्रेशर है अब कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? अब देखते हैं कि जो हमने ट्रिक बताई है उससे फोन हमारा ऑन होता है कि नहीं। चलो ठीक है, डीसी से कनेक्ट करिए, अब ऑन करिए, कनेक्ट है, ठीक है, ये देखिए, जैसा कि देख सकते हैं फोन हमारा ऑलरेडी कंप्लीट तरीके से ऑन हो चुका है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।